अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी मटन मिन्स्ड पेन्ने पास्ता। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं हम पास्ता। पहले पास्ता बॉईल कर लेंगे, उसके लिए मैं पानी चढ़ाई। पानी में हम नमक डालेंगे, और थोड़ा सा तेल डालेंगे, ऑयल, कुकिंग ऑयल है ये। और इसको मैं जो है पहले खीमा बना लूँगी। तो पहले मैं कुकर में ऑयल डाली, और ये है लहसुन कटा हुआ, 1 टेबलस्पून है। इसमें हम थोड़ी प्याज डालेंगे, ये 1-2 मीडियम साइज की प्याज ले लीजिए आप, और ये 2 टेबलस्पून गार्लिक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर, और ये है कीमा। ये 1 किलो ली मैं, 1 किलो पास्ता के लिए 1 किलो आप कीमा ले लीजिए। सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से, चलिए अब हम 1 स्पून 2 सीटी लगाएंगे। पानी मत डालिए इसमें आप। तो ये देखिए हमारा पानी बॉईल हो गया, अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। ये मैं 1 केजी पास्ता ली मैं, देखिए मैं कुकर खोल रही हूँ। देखिए हम पानी नहीं भी डाले तो फिर भी इसमें इतना पानी आया। अब मैं इसको थोड़ी देर और चलिए अब ये पानी पूरा ड्राई हुए तक हम इसको पकाएंगे। अच्छा ये है टमाटो प्यूरी, आप रेडीमेड लीजिए या फिर घर में भी बना ले सकते हैं, या घर में बना लीजिए। और ये है हमारा सॉस है, पास्ता सॉस है ये। पास्ता ये जो है 2-3 टेबल स्पून जो है पास्ता सॉस डालिए आप। और अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका ऑयल रिलीज हुए तक पकाना है हमको ये। अब हमारा ये जो है खीमे में ऑयल रिलीज होना शुरू हुआ, इसमें अब हम थोड़ा केचप डालेंगे। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, और मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी, और थोड़ी ऊपर से ये देखिए। तो चलिए अब मैं, ये तो मेरा रेडी हो गया खीमा, अब हम पास्ता देखेंगे। देखिए पास्ता भी हमारा तकरीबन रेडी हो गया। अब मैं इसको छन्नी से छान लेती हूँ, छान के एक अलग उसमें रख लेंगे हम डिश में इसको। नॉनस्टिक का एक ये बड़ा देखिए अब भगोना चढ़ाई, इसके अंदर अब मैं पास्ता और जो हम खीमा बनाए थे वो दोनों एक साथ मिक्स करेंगे इसमें। ये देखिए आप इसको अच्छा मिक्स कर लीजिए, मिक्स करके आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर कोई चीज़ आपको नमक मिर्च वगैरह कुछ कम दिख रहा तो और ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर भी। ये देखिए अब आप सोच रहे होंगे इसमें चीज़ी कहाँ से आ गया। तो अभी आप मेरी अभी रेसिपी एंड नहीं हुई, आप एंड तक रहिए मेरे साथ बने, देखिए फिर मैं लास्ट में क्या करती हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, आप इंशाल्लाह ट्राई करिए इसको। नहीं 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 अभी और इसमें काम बाकी है। तो ये है चीज, ये था जो था मेन, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से ऑलिव्स, क्यों हुआ ना मजेदार। थोड़े से कोथमीर के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, और ये है थोड़ी सी शिमला मिर्च, और ये है थोड़ी सी मोटी मिर्ची जिसको मैं इस तरह से कट कर ली। थोड़ा सा ये भी डालिए आप, इससे फ्लेवर और अच्छा बढ़ जाता है। थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगेनो। अब इसको कवर करके एक 5 मिनट्स के लिए आप रख दे, ये पूरा चीज मेल्ट हो जाता, फिर उसके बाद में मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, ये हो गया रेडी, मैं अभी आपको डिश आउट करके बताती हूँ। ये माशाल्लाह आप इसको जरूर ट्राई करिए। आप इसको जरूर ट्राई करिए और मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। ये देखिए माशाल्लाह, मैं डिश आउट कर ली, और ये देखिए माशाल्लाह कैसा बना ये चीज ही एकदम से। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना। तो मैं मेरी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।